वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनोखा पोस्ट। दोस्तों, हमारे देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पर समाज और परिवार के दबाव के कारण कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा दब जाती है। वे करना कुछ और चाहते हैं, पर लोगों के दबाव ने उन्हें अपनी रुचि के परे जाकर कोई दूसरा क्षेत्र चुनना पड़ जाता है। हमारे देश के ज़्यादातर माता पिता की यही सोच होती है कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने या कोई सरकारी नौकरी करें। बच्चे भी बस इसी दौड़ में लग जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे और भागते रहते हैं। अगर उन्हें उनकी रुचि की दिशा में थोड़ा सा भी प्रोत्साहन दिया जाए तो शायद वे उस क्षेत्र में एक अलग पहचान बना सकते हैं। एक ऐसे ही है प्रवीण कुमार और सिंधुजा कलंदम, जिन्होंने अपने फैशन डिज़ाइनिंग के शौक को कारोबार की शक्ल देते हुए करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। प्रवीण बिहार के और सिंधुजा हैदराबाद की रहने वाली हैं। दोनों ने साथ चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिज़ाइनिंग की। दोनों साथ मिलकर अपने आइडिया शेयर करते थे और कपड़ों के डिज़ाइन भी बनाते थे। पढ़ाई के दौरान जब दोनों आखिरी सेमेस्टर में थे तो उन्होंने सोचा कि हम पढ़ाई के बाद नौकरी क्यों करें, हम अपने डिज़ाइन किए कपड़े खुद भी तो बेच सकते हैं। तभी से उनका यह सफ़र शुरू हुआ और आज फैशन इंडस्ट्री में उनकी खुद की एक ब्रांड है। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो वे आखिरी सेमेस्टर में ही थे और उनकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी। नवंबर 2014 में उन्होंने अपने ब्रांड यंग ट्रेंड्स को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, लेकिन इस आइडिया पर वे सितंबर से ही काम कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने अपने कॉलेज के नज़दीक में ही एक वेयर हाउस ले लिया और वहीं से अपने काम की शुरुआत की। शुरुआत में वे अपने कॉलेज के इवेंट्स में स्टूडेंट्स को मुफ्त में टी शर्ट बांटते थे, जिससे युवाओं के बीच उनके कपड़ों की लोकप्रियता भी बढ़ गई। लोगों ने उनके कपड़ों की गुणवत्ता को पसंद भी किया और धीरे धीरे ई कॉमर्स साइट्स के द्वारा उन्हें ऑर्डर मिलने भी शुरू हो गए। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों ने तिरुपुर में जाकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का सोचा। तिरुपुर में उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया। दरअसल तिरुपुर साउथ इंडिया और तमिलनाडु का एक बड़ा कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है। फिर उन्होंने फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी बड़ी ई कॉमर्स साइट्स से बिक्री के लिए टाई अप किया। शुरुआत में उन्हें इन सब के लिए 10 लाख रुपए का निवेश करना पड़ा, पर जल्द ही उनके प्रोडक्ट्स ने लोगों के अंदर एक छाप छोड़ दी और रोज़ उन्हें 1000 से अधिक के ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। यह उनके सफलता की पहली सीढ़ी थी। दोनों अपने ब्रांड यंग ट्रेंड के नाम से खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाई है, जिससे उनके बिजनेस को और तेज़ी मिलेगी। उनकी कंपनी युवा लोगों के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है, इसलिए उनकी हमेशा से कोशिश रहती है कि वे खुद के डिज़ाइन के ट्रेंड के अनुसार अपडेट करते रहें। लोगों को कम कीमत में क्वालिटी प्रोडक्ट मुहैया कराना उनके सफलता की सबसे बड़ी वजह है। आज उनकी टीम में करीब 30 लोग काम कर रहे हैं और कंपनी का टर्नओवर करीब 20 करोड़ रुपए है। प्रवीण और सिंधुजा से एक दूसरे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आप भी दृढ़ इच्छा और शक्ति और कुछ अलग करने का जज्बा रखते हैं तो आप भी एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।